कर्नाटका का मिल गया पेमेंट? नहीं सेठ जी, बाघा ने मुझे अभी अभी छोड़ा। बाघा वहाँ क्यों आया था? मुझे छोड़ने। अरे पर उसको तो एलईडी की डिलीवरी करने जाना था ना। वो क्या है सेठ जी, रिक्शा के पैसे बचाने के लिए मैंने उसे कहा कि तू डिलीवरी करने जा रहा है। हाँ बाघा, हो गई डिलीवरी। क्या आपने डिलीवरी कर दी? तो फिर आपने मुझे डिलीवरी के लिए क्यों भेजा? अरे भाई मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, पार्टी के घर एलईडी टीवी की डिलीवरी हो गई? डिलीवरी कहाँ से होगी सेठ जी, मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है और नटू काका का फोन भी कब से बिजी आ रहा है। हाँ वो नटू काका की अभी मेरे साथ ही बात चल रही है, एक मिनट चालू रख। नटू काका, आपने बाघा को एड्रेस ठीक से समझाया नहीं था? समझाया था सेठ जी। आप उसे पार्टी का घर मिल नहीं रहा है? उससे पूछिए अभी वो कहाँ है। बाघा कहाँ है तू? मैं संस्कृति बिल्डिंग के पास। वो संस्कृति बिल्डिंग के पास है? संस्कृति बिल्डिंग? अरे वो वहाँ क्यों गया, पार्टी तो परंपरा बिल्डिंग में रहती है। बाघा से कहिए कि संस्कृति बिल्डिंग से राइट लेगा ना तो वहीं पर परंपरा बिल्डिंग है। ओके भाई। बाघा नटू काका बोल रहे हैं कि वो जो संस्कृति बिल्डिंग है उससे जरा सा आगे जाके राइट में ही है ये परंपरा बिल्डिंग। ओके सेठ जी। हाँ तो डिलीवरी होते ही आप मुझे फोन कीजिए। हाँ सेठ जी, डिलीवरी करने तो भागा गया है, मैं तो यहाँ पेमेंट लेने आया हूँ। अरे भाई डिलीवरी की बात मैं भागा से ही कर रहा हूँ। ओके सेठ जी, अब पेमेंट मिलते ही मुझे फोन करना। सेठ जी पेमेंट मिला इसीलिए तो हमारी परंपरा के मुताबिक मैं परंपरा बिल्डिंग में परंपरागत रीत से डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अरे भाई पेमेंट की बात मैं नटू काका से कर रहा हूँ, तू खाली डिलीवरी करो, डिलीवरी करते ही मुझे फोन कर, ठीक है? नटू काका डिलीवरी की बात मैं बाघा से कर रहा हूँ, आप इतना मत बोलना, ठीक है? भाई सुना तूने, बाघा डिलीवरी होता ही मुझे फोन करना। क्या कि डिलीवरी हो गई? हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको पार्टी के घर से दुकान आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है सेठ जी। ओके मैं भी पेमेंट लेके आपको फोन करता हूँ सेठ जी। नहीं नहीं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं, आप तो पेमेंट लेके सीधा दुकान ही आएंगे ना। दुकान ही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा सेठ जी। हाँ पता है, इसीलिए कहा कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो बाघा का क्या है, उसका भरोसा नहीं ना, वो वापस आते आते बावरी को मिलने पहुंच जाता है ना, इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि भाई काम होते ही फोन कर मुझे। हाँ बोल दे। क्या बोलूं? अब फोन क्यों किया? नहीं आप बताइए क्यों फोन किया होगा। दया तू क्या टाइम पास कर रही है, हम कस्टमर है सामने, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ आइए आइए भाई साहब, आइए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं आप फोन पर बात कर लीजिए। नहीं वो वाइफ का फोन था, वो क्या कभी कभी फ्री रहती है तो ऐसे फोन करती है, कुछ जरूरी बात नहीं थी, हमारे लिए जरूरी है हमारे कस्टमर, कस्टमर तो किंग होते हैं। बोलिए बोलिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे? नहीं नहीं सॉरी, हम लोग पैसे उधार नहीं देते। सीधे सीधे बोलिए ना, मोबाइल की बात करने आए हैं। ये मोबाइल में पिछले हफ्ते 10,000 का लेके गया था। अच्छा तो? तो दो दिन पहले हमारी पड़ोसन यही सेम मोबाइल यही से 9,500 रुपए में खरीदा था, और आपने मेरे भोले पति को 500 रुपए महंगे यही मोबाइल 10,000 रुपए में दिया। नहीं नहीं बहन जी, हो ही नहीं सकता, इस मोबाइल का तो फिक्स भाव है 10,000, 9,500 में कोई दे ही नहीं सकता। आपका नाम? जेठालाल गड़ा। आप बाघा सेठ को बुलाइए। बाघा सेठ? क्यों? मेरी पड़ोसन को बाघा सेठ ने ही मोबाइल का दाम कम करके दिया था। देखिए ये दुकान में सेठ मैं हूँ, बाघा हमारा नौकर है। कमाल है, भाव कम करना सेठ के हाथ में नहीं है और नौकरी करने वालों के हाथ में है। नहीं नहीं सब कुछ मेरे हाथ में है भाई साहब। अब बाघा सेठ को बुलाइए। बहन जी कितनी बार मैं आपको बताऊं, इस दुकान में एक ही सेठ है और वो मैं हूँ। तो फिर आपके नौकर ने मेरी पड़ोसन को 9,500 रुपए में मोबाइल कैसे दे दिया? अरे बहन जी बाघा 9,500 में ये मोबाइल दे नहीं सकता, मुझे लगता है आपकी पड़ोसन आपको झलाने के लिए झूठ बोल रही है। झूठ मेरी पड़ोसन नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। देखिए बहन जी मैं एक और बार आपसे कहता हूँ, यह मोबाइल का फिक्स भाव है 10,000 रुपया, तो आपकी पड़ोसन को यह 9,500 में मिल ही नहीं सकता। देखिए मेरी पड़ोसन की सहेली है बावरी, और बावरी जी ने ही बाघा को फोन करके मोबाइल के पैसे कम करवाए थे। ओ, बावरी? बावरी के कहने पर बाघा ने पैसे कम कर दिए। अब आ गई ना बात समझ में,
लाइए 500 रुपए दीजिए जो हमसे ज्यादा लिए थे। नहीं देखिए, दरअसल बात क्या है, वो जो बावरी है ना, वो हमारे बघा की होने वाली मंगेतर है, इसलिए बघा ने उसको क्या वो फैमिली डिस्काउंट दिया होगा। तो हमें भी दीजिए फैमिली डिस्काउंट। सॉरी बहन जी, काश मैं दे पाता, लेकिन क्या अगर हम सबको ऐसे फैमिली डिस्काउंट देते रहे तो बहुत जल्द हमें हमारी दुकान का ताला लगाना पड़ेगा। चलो दोबारा इस दुकान से कुछ लेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं, सुनिए 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 बहन जी, अरे देखिए आप तो नाराज हो गए, आप कस्टमर है, कस्टमर किंग होता है और किंग कभी नाराज नहीं होते है? देखिए अगली बार आप हमारी दुकान में से 10,000 से ज्यादा की कुछ भी खरीदी करेंगे तो उसमें मैं आपको 500 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा। बस पक्का? पक्का 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 बोला है। आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? अरे बहन जी ये कच्ची माड़ो जेठालाल चंपकलाल गड़ा की जुबान है। ठीक है चलेंगे तब। हाँ चलो, आइएगा दोबारा खरीदी करने। हाँ बिल्कुल। ओके, ये बाघा बावरी भी एक नंबर का नमूने है। बावरी की पहचान से डिस्काउंट दे बाघा और कस्टमर दिमाग खाए मेरा। आना दो। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आप बात कर सकते हो? हाँ बोल बोल। ये कैसे लूट मचा रखी है आपने, डुप्लीकेट माल देते हैं आप। ये मोबाइल परसों आपकी दुकान से लेके गया था, आज ये बंद हो चुका है। एक मिनट भाई साहब, जरा शांति रखिए, देखो जरा मोबाइल देखो। भाई साहब ये डुप्लीकेट नहीं है, ये असली पीसी है। और ये क्या, ये गिरने की वजह से बंद हो गया है। अरे मोबाइल गिरा ही नहीं है। भाई साहब ये देखिए, ये क्या इधर ये तड़ पड़ गई है ना, तो ये तड़ तो गिरने की वजह से ही पड़ती है, ऐसे तो नहीं पड़ती। हाँ भाई साहब, पर अभी क्या करें? अभी ये कंपनी के सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। तब तक मैं कौन सा फोन यूज करूँ? आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो। पर मेरे पास तो दूसरा कोई फोन ही नहीं है, अगर आप अपना कोई दूसरा फोन यूज करने दे देते तो। नहीं भाई साहब, हम नहीं देते। तो मैं क्या करूँ बिना फोन के? अब ये काम चलाओ, सस्ता वाला 1,200 का ले लो, दे दू। नहीं नहीं ठीक है, मैं कब लेने आऊँ? नहीं नहीं भाई साहब, ये क्या इसकी वारंटी चालू है ना, तो आपको ये वो सर्विस सेंटर में फोन करके उनको ही दिखाना पड़ेगा, वो लोग ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके। टप्पू के पापा तो बहुत बिजी लगते हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। हाँ हेलो दया, बोल। देखा ना कितना बिजी हूँ मैं, और तू एक टाइम पास करने के लिए फोन करती रहती है। अरे मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। तो किसने फोन किया? हाँ वो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आज रात को आप घर पर ही आने वाले हो ना? नहीं, आज रात को मैं दुकान से सीधा चांद पे जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि चांद पे से रात को अपनी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है। हंस मत, दुकान से सीधा मैं घर ही आता हूँ, और कहाँ जाता हूँ। अरे क्या है, कभी कभी रात को आप दुकान से कोई कोई पार्टी को मिलने के लिए जाते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं भाई, आज किसी पार्टी को मिलने नहीं जाना, आज सीधा घर ही आऊंगा। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर है इधर। ओके हेलो, बोलिए भाई साहब। अच्छा मोतीलाल सोसाइटी किधर है? सॉरी मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी को राह दिखा सकूं। अच्छा ये लो वाला मोबाइल कितने का है? हाँ ये सिर्फ 3,000 का है, बहुत बढ़िया पीस है, दे दू। हाँ लेना तो है, पर ये एड्रेस बताओ तो ले लूंगा। बहुत बिजी है। हाँ कोई बात नहीं, रात को जब वो आएंगे तब उनको आइसक्रीम पार्टी की सरप्राइज मिलेगी, तब हो जाएगा। हाँ चलो दया, क्या क्या सब तैयारी हो गई? हाँ अब्दुल भाई को आइसक्रीम के बारे में बोल दिया है, बाकी सब लोगों को भी बोल दिया है, और अरे हाँ पोपट भाई को तो कहना ही भूल गई। अच्छा याद आया, अगर पोपट भाई को नहीं बताती ना तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान आ जाता। वो दया भाभी का फूल, जरूर मेरे रिश्ते की बात होगी। हेलो। हाँ नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते, आप कहाँ हो? घर पर, खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कहिए ना क्या बात है? आज रात को 10 बजे हमारे घर पर जरूर आना, आइसक्रीम पार्टी रखी है।
हाँ, मैं आ जाऊंगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? लड़की? हाँ, जो मुझे देखने आने वाली है। नहीं 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 पुपल भाई, कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपने आइसक्रीम पार्टी क्यों रखी है? बस ऐसे ही सोसाइटी में सब लोगों को बुलाया है। दया भाभी, आप सभी को बुलाकर आइसक्रीम पार्टी दे रही है, इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देना चाहती है। पक्का लड़की वाले आ रहे हैं? नहीं नहीं पोपट भाई, लड़की की या शादी की कोई बात नहीं है। नहीं पक्का? हाँ पक्का, एकदम पक्का। हाँ पोपट भाई एकदम पक्का। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, आज मेरे नसीब में आइसक्रीम लिखा है, हो सकता है कल मेरे नसीब में शादी लिखी हो। बराबर पोपट भाई, आज नहीं तो कल आपकी शादी होकर रहेगी। थैंक यू दया भाभी। तो आज रात को हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी में ना भूलना मत। ठीक है मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। चलो पोपट भाई को भी बोल दिया और रात को 10 बजे हमारे घर पर आ जाएंगे। पापा आज आपको मस्त सरप्राइज मिलने वाली है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और अंजलि आज मेरे लिए एक नहीं दो दो आश्चर्य। दो दो आश्चर्य क्यों? पहला आश्चर्य तो ये कि मेरी डाइट सुंदरी अंजलि, जो मुझे जिंदगी में कभी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने नहीं देती, मसालेदार खाना या मीठा तो टच ही नहीं करने देती, वो मुझे आइसक्रीम खाने की परमिशन दे रही है खुशी खुशी। हाँ तारक, उसमें क्या बाबा, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना। हाँ इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है अंजलि, के हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो आज तक मैंने डाइट फूड से छुट्टी कभी देखी नहीं। सुबह हो या शाम डाइट फूड खाना ही मेरा काम। तो अंजलि मेरी डाइट सुंदरी, तुम वही हो ना, सेम अंजलि? हाँ हाँ तारक, मैं आपकी अंजलि ही हूँ। और मैं ही आपसे कह रही हूँ कि आज रात आप दया भाभी के वहाँ आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन एक ही स्कूप। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तारक, ये दूसरा आश्चर्य क्या है? दूसरा आश्चर्य ये अंजलि कि जेठालाल के घर में आइसक्रीम पार्टी और उसने मुझे बताया नहीं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, भूल गए होंगे। ऐसे कैसे भूल गए होंगे, जेठालाल कोई चीज तो भूलता नहीं, और आइसक्रीम पार्टी की बात बताना भूल गया। तारक इसमें आश्चर्य की बात क्या है, जेठा भाई इज अ बिजी मैन, भूल गए होंगे। अरे कितना भी बिजी हो जेठालाल मुझसे हर बात शेयर करता ही है। ये होने वाला है मेहता साहब, ये होगा मेहता साहब, अब ये हो गया मेहता साहब, फायर ब्रिगेड मेरी जिंदगी में आग लगी है, क्या करूं ये बताओ। और तो और बहुत बिजी हो ना तो ये तक भी बताते हैं कि दया भाभी शाम को क्या बनाने वाली है, और ये आइसक्रीम पार्टी वाली बात भूल गए। तो क्या हुआ तारक, और वैसे भी पार्टी दया भाभी ने रखी है। दया भाभी ने क्यों? क्यों क्या, अब उनका मन किया पार्टी रख ली, सिंपल। ठीक है पर जेठालाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? कम ऑन तारक, अब इतनी सी बात के लिए आप रूठ क्यों रहे हो? दया भाभी पार्टी के लिए इंतजार कर रही होगी, हमें जाना है ना, आइसक्रीम खानी है कि नहीं। हाँ लेकिन जेठालाल ने बताया क्यों नहीं? हा हा, मजा आ गया खाने का दया। लाला मुखवास मुखवास। अभी सब आइसक्रीम पार्टी के लिए आएंगे, तब टप्पू के पापा को मस्त सरप्राइज मिलेगी। हाय। ओ बाबा फूल। अरे क्या हो तो? नमस्ते। बहुत अच्छा किया क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? पूरी गोकुल धाम सोसाइटी हमारे यहाँ अचानक, क्या हुआ क्या? क्या हुआ? अरे जेठा भाई क्या आप भी मजाक कर रहे हो? भाई जेठालाल नॉर्मली तो तुम हर बात मुझे बता ही देते हो, पहली बात ये बात तुमने मुझे बताई नहीं, और दूसरी बात अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो कि हम सब आने वाले। नहीं सच में मुझे नहीं पता मेहता साहब, और कौन सी बात जो मैंने आपको नहीं बताई, क्या बोल रहे हैं आप? अरे जेठा भाई तुम्हारे घर पर मस्त पार्टी का प्रोग्राम है। पार्टी? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं यहाँ कोई पार्टी नहीं है। नहीं नहीं जेठा भाई मतलब आइसक्रीम पार्टी। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये आइसक्रीम पार्टी भी नहीं आती भाई, किसी और के घर पे होगी। जेठा भाई क्या जयराल अपने घर पे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हो और बोलते हो कि आइसक्रीम पार्टी नहीं है,
यह तो इंसल्ट है। और भाई जेठालाल, हम आइसक्रीम खाने के भूखे नहीं है, वो तो हम बाहर भी खा सकते हैं। ये तो आमंत्रण मिला इसलिए यहाँ पर आए, ऐसे इंसल्ट मत करो भाई। जेठा भाई, खाने की बात को लेके आप मजाक कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। अरे हाथी भाई, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं वैसे आप लोग आ गए तो आइसक्रीम मंगा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच में यहाँ कोई आइसक्रीम पार्टी नहीं है। हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी है। आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। जेठालाल, तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम्हारे घर पर आइसक्रीम पार्टी है? नहीं। पर जेठा भाई, दया भाभी ने तो आइसक्रीम पार्टी की प्लानिंग की है। दया, तूने पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को बताया और मुझे ही नहीं बताया? अरे टप्पू के पापा, यही बताने के लिए मैंने आपको दुकान में कितनी फाना फोनी की, पर आप लगातार तना तनी में बिजी थे। जय दलाल, तुम शॉप पर भी तना तनी करते हो। तना तनी एकले? तो सब ये तना तनी क्या है? तना तनी मतलब लॉगरहेड्स, टकराव, बहसबाजी, तकरार। जैसे जेठा प्राप पिड़ू में होता है, पिड़ू और पोपू में होता है, पोपू और अय्यर में होता है, अय्यर और जेठा प्राप में होता है, वही तना तनी। ओ भाई, ओ सोनी, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है भाई? मैं थोड़ी झगड़ा लूं। आ तो पोपटलाल, हम भी झगड़ा लू नहीं है। आ तो मैं भी झाड़ वाला नहीं हूँ। मतलब झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ तो हम भी झगड़ालू नहीं है भाई, ये पोपटलाल कैसे बोल सकते हैं? रोशन भाभी, ये देखिए, ये देखिए, तनातनी का जीवंत उदाहरण ये तनातनी। प्रैक्टिकली देखने को मिला आपको, बगा। मम्मी, हम लोग हमारे रूम में बैठे, ओके? चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे एक मिनट, आइसक्रीम तो खाने दे। क्या आप लोग रूम में बैठे हो? मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। चलो हम लोग म्यूजिक सुनते। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर सॉरी जेठा भाई, आपका ये सोफा। अरे हाँ सॉरी। अरे नहीं नहीं, क्या सॉरी? अरे हाथी भाई, सोफा तो नया आ जाएगा, आप ठीक है ना? अरे चोट तो नहीं लगी हाथी भाई? हाथी भाई हाथ दीजिए। ओए पप्पू, ओ कभी देखा है साइकिल ने ट्रक को खींचा? सॉरी सॉरी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे यहाँ ठोकर लगी, आप घरों में हंस रहे होंगे, इंसानी फितरत है साहब, दूसरा मुसीबत में हो तो हंसी आ ही जाती है, लेकिन हम लोग, हम पर मुसीबत झेलते हैं और आपको हंसाते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं गोकुलधाम की। गोकुलधाम में वैसे तो भाग्य हमेशा साथ देता है, लेकिन इस बार भाग्य ने शायद साथ छोड़ दिया है। भाग्य कभी कभी साथ छोड़ देता है, और इस वक्त जेठालाल के सोफे तक ने साथ छोड़ दिया है। यहाँ आइसक्रीम पार्टी जो जेठालाल के घर में होने वाली है, आइसक्रीम पार्टी शुरू होने से पहले हंगामा पार्टी में तब्दील होने के पूरे पूरे आसार है, क्योंकि सोफा टूट गया है और सोफे में फंस गए हैं डॉक्टर हाथी। अब देखना यह है कि टूटे हुए सोफे से डॉक्टर हाथी किस तरह से बाहर आ पाते हैं, और बाहर आ पाते या नहीं पाते, और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए पार्टी रखी गई है, रिनोवेशन की बातचीत, वो हो पाती है या नहीं हो पाती? भाई ये पार्टी बहुत बड़े हंगामे लेके आने वाली है। डॉक्टर हाथी सोफे से किस तरह से बाहर आएंगे, रिनोवेशन की बात होगी या नहीं होगी? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के पीछे एक हंगामा और ठहाका। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।